हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसबीआई पीओ प्री के कुछ रियल इंग्लिश क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि फोर्थ कमिंग बैंकिंग एग्जाम्स में प्री में क्या पैटर्न हो सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ये मोस्ट रीसेंट क्वेश्चंस हैं। ये पेपर हुआ था 14 जून 2019 को, और ये क्वेश्चंस हैं एसबीआई पीओ प्री के। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। इस वीडियो क्लास में मैंने 12 क्वेश्चंस लिए हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। हालांकि ये ग्रामर पर बेस्ड ही क्वेश्चन हैं, लेकिन अप्लाइड ग्रामर इसमें आपकी टेस्ट की जा रही है। देखिए यहाँ से यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इफ़ यू हैड रेड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में तीन कंडीशंस होती हैं, जिनको हिंदी में हम शर्त बोलते हैं। ठीक है, कि यदि ये शर्त पूरी होती है तो ऐसा काम होगा, या यदि आप पास्ट में बोलें तो यदि ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। ठीक है, तो तीन कंडीशन होती हैं इंग्लिश सेक्शन में। एक होती है ओपन कंडीशन, एक होती है इमेजिनरी कंडीशन, एक होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो इन तीनों ही कंडीशन के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग वर्ब पैटर्न होते हैं। ठीक है, अब ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, इसमें दो पार्ट हैं। एक जो इफ से स्टार्ट होता है, यहां से ये होता है कंडीशन वाला पार्ट, और जो यहां से स्टार्ट होता है सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड क्लॉज इसको आप बोल सकते हैं, ये होता है रिजल्ट वाला पार्ट। यदि ये कंडीशन पूरी होती है, ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो ये है आपका, ये जो पार्ट है कंडीशन वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये रिजल्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो कंडीशन वाले पार्ट में इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, और रिजल्ट वाले पार्ट में वुड हैव के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो उस हिसाब से यदि आप देखें तो ये सेंटेंस सही है। अब इसमें गलती एग्जामिनर कहाँ कहाँ दे सकता है? एग्जामिनर देखिए गलती यहाँ पर दे सकता है, जैसे हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगाएगा तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, हैड के साथ हैव होगा तो गलती हो जाएगी, वुड हैव के स्थान पर यदि विल हैव होगा तो गलती हो जाएगी, यहाँ पर यदि थर्ड फॉर्म नहीं होगी तो गलती हो जाएगी। ये किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हैड के साथ रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन उसको हम रेड पढ़ते हैं थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर इफ यू हैड रेड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली, यदि आपने सही लिटरेचर केयरफुली पढ़ा होता तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दे दिए होते, ये पास्ट में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही है, और ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, इसका आंसर होगा नो एरर। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर एक टिपिकल बैंकिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, यहां से देखिए यू मे नॉट नो इट, यहां तक ये सही है, क्योंकि मे के साथ हम यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जो लगी हुई है, ये यहां पर सही है। यू मे नॉट नो इट बट दिस इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है आपको इसके बारे में पता नहीं हो, लेकिन ये जो इंजन है ये अपने प्रीवियस वर्जन से दो गुना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो एक तो होता है बी, एक होता है। सिंपल कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है। देखिए, यहां पर हम बोल रहे हैं कि वो पावरफुल है, तो होने के लिए हम क्या लगाते हैं? होने के लिए हम बी लगाते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूं आपसे कि बी ब्रेव, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट बनो, हैव का प्रयोग हम करते हैं किसी चीज को, किसी चीज की ओनरशिप को दिखाने के लिए, आई हैव अ पेन। तो यहां पर हम ओनरशिप नहीं दिखा रहे हैं, यहां पर हम किसी चीज का स्टेट बता रहे हैं, उसके लिए आपको यहां पर बी का प्रयोग करना होगा। क्लेम टू बी मतलब ये इंजन क्लेम करता है, या इस इंजन के बारे में क्लेम किया जाता है कि ये अपने प्रीवियस वर्जन से दो गुना ज्यादा पावरफुल है। तो यहां पर हम हैव क्यों लगाएंगे, यहां पर हम बी लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी इंटेलिजेंट तरीके से एग्जामिनर ने यह क्वेश्चन बनाया है, और इसमें आपका अप्लाइड ग्रामर का जो सेंस है वो आपका इसमें टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें हैव ना होते हुए यहाँ पर होगा बी, और ये जो पार्ट है ये सी में है, ये पार्ट जो है ये सी में है। अब यहाँ पर देखिए सी कहाँ पर है, सी है फर्स्ट में, तो आपका आंसर फर्स्ट होगा, थर्ड नहीं होगा आपका आंसर, आपका आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि सी पार्ट में गलती है और सी दिया है फर्स्ट में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए
या आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस को भी वो चेक थोड़ा सा चेंज कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू इंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस, यदि आप तेजी से सर्विस चाहते हैं, ठीक है, वॉन्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि सही है। प्लीज हैव कॉन्टैक्ट अस एज अर्ली एज पॉसिबल, देखिए यदि आप यहाँ से है बैठा दें तो ये हो जाएगा प्लीज कॉन्टैक्ट अस, यदि आप प्रॉम्प्ट सर्विस चाहते हैं तो हमसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, यानी हैव यहाँ पर एक्स्ट्रा है, हैव को कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है, तो हैव इसमें नहीं आएगा, सी पार्ट में इसमें गलती है और सी दिया है आपका थर्ड पोजिशन पर, तो इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट बिफोर द डिमोनेटाइजेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड इनविटेशन, इसमें टेंस का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है और ये पास्ट सिंपल टेंस है कि डिमोनेटाइजेशन के स्टार्ट होने से जस्ट पहले पुलिस वहां पर पहुंच गई और ऐसा लगता था कि उनको इन्विटेशन दिया गया है। एज इफ दे हैड, हैड के साथ यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये कि सही है, लेकिन ये दो घटनाएं इसमें इसमें दो इंसिडेंट को मर्ज कर दिया गया है, पास्ट की पास्ट में दो इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, तो यहां पर जब स्टार्टेड है तो यहां पर भी तो हम अराइव्ड ही लगाएंगे, दो घटनाएं जब साथ में पास्ट में हुई हैं तो यहां पर यदि हम स्टार्टेड लगा रहे हैं तो यहां पर भी हम अराइव लगाएंगे, अराइव के बाद एट सही है, साइट सही है, लेकिन ये जो वर्ड है ये आपका ग्रामेटिकली गलत है, यहां पर होगा अराइव्ड यहां पर, ठीक है, और इसमें बी पार्ट में गलती है और बी है कहां पर, बी है इसमें थर्ड पोजीशन पे, तो आपका आंसर होगा इसमें थर्ड। तो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। अब यहां पर देखिए आप, अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैज, देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया है, एक टेंस का कॉन्सेप्ट है और एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां पर हैज आएगा या हैव आएगा। अब देखिए हैज और हैव जो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा और रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये मान सकते हैं कि यंगस्टर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन यंगस्टर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यहाँ पर ग्रुप, ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ना कि यंगस्टर्स की, ठीक है, यंगस्टर्स मतलब जो युवक हैं, जवान लोग हैं जो, ठीक है, तो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट जो है ये ग्रुप है और ग्रुप से पहले क्या लगा है, ए लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो हैज ही आएगी जो कि सही है, हैज लगी हुई है, लेकिन हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन क्या लैंड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर हम लैंट का प्रयोग करेंगे, एल ई एन टी, और ये जो गलती है ये है बी पार्ट में, ठीक है, और बी पार्ट इसमें कहां पर है, बी है इसमें सेकंड पोजीशन पर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड, हैज लेंट, इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टू मेक पीपल टेंस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री व्हिच इज डिफिकल्ट टू अनफोल्ड, मतलब एक ऐसी चीज जो लोगों को टेंस करती है वो एक मिस्ट्री है, वो एक रहस्य है जिसको अनफोल्ड करना मुश्किल है, तो यहां पर चूंकि ये क्या लगा हुआ है, ये एक वर्ब लगी हुई है, वर्ब से पहले क्या आएगा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट एक क्लॉज के फॉर्म में आना चाहिए, यहाँ पर क्लॉज, क्लॉज यानी सेंटेंस का एक पार्ट होता है और उसमें हम किसी छोटे एक्शन को बताते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हाउ टू रीड अ बुक इज इम्पोर्टेंट, या फॉर यू टू नो दैट हाउ टू रीड अ बुक, यहाँ पर एक्चुअली एक क्लॉज चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये सही क्या होगा, what makes people tense is actually a mystery which is difficult to unfold, what to ना बोलते हुए हम what makes बोलेंगे, what का मतलब एक process या एक action का नाम है, what अपने what एक singular entity को बताता है, ठीक है, तो what makes people tense मतलब लोगों को कौन सी चीज tense करती है, ये एक रहस्य है और इसको सुलझाना मुश्किल है, तो यहां पर हम बोलेंगे वॉट मेक्स, यहां पर होगा मेक्स, यहां पर ये टू नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर इसका गलत कर दिया गया है, ठीक है, जो सही क्लॉज का जो सही पैटर्न होगा वो होगा वॉट मेक्स पीपल, तो ए पार्ट इसमें गलती है, ए पार्ट इसमें गलत है और ए कहां पर दिया है, ए दिया है थर्ड पोजिशन पर, तो थर्ड इसका आंसर होगा, वॉट मेक्स पीपल टेंस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू अनफोल्ड, देखिए ये जो सेंस है
ये आता है रीडिंग से। इसलिए आपने सुना होगा कि चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, क्लरिकल लेवल का हो, बैंक पीओ लेवल का हो, रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि रीडिंग से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। आपको ये पता पड़ता है कि एक सेंटेंस का सही पैटर्न क्या होना चाहिए, सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ पर आना चाहिए, सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग से पता पड़ती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करिए। जरूरी नहीं है कि हिंदू पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूरी है, रीडिंग जरूरी है। उससे एक सेंस क्रिएट होता है, उससे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका बनता है। तो रीडिंग डेफिनेटली बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 7 देखिए, ये कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं और इसमें एक पर्टिकुलर फ्रेज दिया है, इसको आपको रिप्लेस करना है यदि ये इनकरेक्ट है, यदि करेक्ट है तो रिप्लेस नहीं करना है। देखिए, इन ऑर्डर टू एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है पर्पस, पर्पस को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे वी आर वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ बैंक पीओ, वी आर वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ बैंक पीओ। तो इन ऑर्डर टू बिकमिंग ना होते हुए ये होगा बिकम, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कुछ और फ्रेजेस यहाँ पर दिए हैं, जैसे इन द वेक ऑफ का मतलब होता है इसके बाद, फॉर द सेक ऑफ होता है इसके लिए। तो इन ऑर्डर टू बिकम यानी बी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ ऑफ फियर ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग द आर्ग्यूमेंट टू टू ग्रेट एन एक्सटेंट। टू एन एक्सटेंट का मतलब होता है इस सीमा तक, ठीक है। मैं अपने आप को रोकता हूँ, मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि जो आर्ग्यूमेंट है ये कॉम्प्लिकेटिंग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ ऑफ फियर ऑफ, ये जो स्ट्रक्चर है ये सही है, ठीक है, ये सही है। और इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ। यदि ये पास्ट में होता तो हो जाता आई रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ, इस तरीके से हो जाता, ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नो सूनर का एक कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया है। देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस को निगेटिव वर्ड या सेमी निगेटिव वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्वर्जन का एक रूल होता है, वो अप्लाई हो जाता है। इन्वर्जन के रूल का क्या मतलब है? इन्वर्जन के रूल का ये मतलब है कि नॉर्मली हम सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर वर्ब लगाते हैं, लेकिन यदि कोई सेंटेंस निगेटिव वर्ड या सेमी निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड का मतलब नो और नेवर, ठीक है, सेमी निगेटिव वर्ड मतलब सेल्डम है, नो सूनर है, हार्डली है, बेयरली है, इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट पहले ना आते हुए वर्ब पहले आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इन्वर्जन का रूल यही कहता है कि एस वी ना होते हुए ये हो जाएगा वी एस, पहले वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा यदि निगेटिव वर्ड पहले आता है, ठीक है। तो इसमें तो वर्ब दी नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें वर्ब पहले दिए। अब देखिए, इन दोनों में देखिए कन्फ्यूजन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस वाले को लगा देंगे फर्स्ट, क्योंकि इसमें भी वर्ब पहले दी है और इसमें भी वर्ब पहले दिए, इसमें वर्ब पहले दिए, इसमें भी वर्ब पहले दिए, लेकिन इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस का एक कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व हो गया। क्यों हो गया ये मैं आपको समझा देता हूँ। नो सूनर हैड ही बीन इलेक्टेड द CM ऑफ UP। देखिए, आपको किसी व्यक्ति को जब CM बनाया जाता है तो उसको CM किसी व्यक्ति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है, वो खुद CM सिलेक्ट नहीं होता या इलेक्ट नहीं होता, उसको किया जाता है। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर या डूअर के ऊपर कुछ होने की बात हो रही है, डूअर काम नहीं कर रहा है, डूअर के ऊपर कुछ काम हो रहा है, उसको इलेक्ट किया जाता है, वो इलेक्ट करता नहीं है, उसको इलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है। यहाँ पर नो सूनर के साथ पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके इस सेंटेंस को कन्फ्यूज किया गया है, इस सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। तो नो सूनर हैड ही बीन इसमें सही होगा, बीन आता है पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस ऊपर वाला सेंटेंस नो सूनर, अरे हाँ, इसमें तो सूनर ही नहीं दिया यहाँ पर, ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें तो सूनर भी नहीं है। लेकिन सूनर भी यदि यहाँ पर होता तो हैड ही के साथ एक्टिव वॉइस वाला फॉर्म इसमें नहीं चलेगा, इसमें पैसिव वॉइस वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर नो सूनर के साथ पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन को बनाया गया है। डी इसमें आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। यहाँ पर देखते हैं, ऑल दिस हैव टेकन 18 ईयर्स ऑफ टेनिसस एफर्ट। इस सारी चीज में 18 साल का लंबा समय लगा है। टेनिसस मतलब बिना रुके,
परिश्रम किया गया है। तो ऑल और दिस, दिस एक्चुअली अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, ये सिंगुलर एंटिटी है, दिस दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस अपने आप में सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा। देखिए ऑल दिस कर दिया गया है इसमें कंफ्यूज करने के लिए, ऑल दिस, लेकिन ऑल दिस मतलब एज ए होल सारी चीजों को लिया जा रहा है, और एज ए होल मतलब एक एक सिंगल एंटिटी की तरह सारी चीजों को लिया जा रहा है इसमें, ठीक है। ऑल दिस हैज टेकन 18 ईयर्स ऑफ टेनिस एफर्ट, ठीक है, तो ए इसमें आपका यहां पर सही आंसर होगा, ए, बाकी सब इसमें सही है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही इसमें आएगा। ऑल दिस हैज टेकन 18 ईयर्स ऑफ टेनिस एफर्ट ऑफ ए हैंडफुल ऑफ सोशल वर्कर्स and legal academicians who wrote to the Supreme Court about conditions in the home. तो एक सेंटेंस है लेकिन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको तभी पढ़ना है जब उसका सेंस आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन गलती तो ऊपर ही है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, by putting up a building and to give women the opportunity of a protected and normal seeming life after the exploitation that they have been through is only the first step. बाय के थ्रू हम ये बताते हैं कि इसके दो ऐसा करके ऐसा किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर बाय गिविंग देम फाइनेंशियल असिस्टेंस, बाय गिविंग देम फाइनेंशियल असिस्टेंस वी कैन हेल्प देम, ऐसा करके इस मेथड के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय यहां पर थोड़ा सा गलत लग रहा है, अभी मैं देख समझाता हूं आपको। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर भी गलत है क्योंकि जब यहां पर सॉरी यहां पर जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो यहां पर फिर आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि एंड के द्वारा दो सिमिलर एंटिटीज को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर होगा पुटिंग अप अ बिल्डिंग एंड गिविंग वुमेन द अपॉर्चुनिटी, एक तो ये होगा, एक इसमें बाय गलत लग रहा है, इसमें बट से बन जाएगा ये, बाय पुटिंग अप अ बिल्डिंग एंड गिविंग द वुमेन द अपॉर्चुनिटी ऑफ ए प्रोटेक्टेड ए नॉर्मल सीमिंग लाइफ आफ्टर द एक्सप्लोरेशन दैट दे हैव बीन थ्रू इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये तो केवल फर्स्ट स्टेप है, पुटिंग अप ए बिल्डिंग और गिविंग वुमेन द अपॉर्चुनिटी, वहां पर एक बिल्डिंग बनाना और विमेन को अपॉर्चुनिटी देना, ये तो केवल एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो हम इसमें बाय क्यों लगाएंगे, हम तो इसमें बट लगाएंगे क्योंकि बाय से तो सेंस नहीं बन रहा है इसका। तो इसमें आपका डी वाला जो ऑप्शन है बट पुटिंग अप अ बिल्डिंग एंड गिविंग द वुमेन, इस तरह से यह बनेगा, डी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही इज क्वाइट अ राइट, ही इज क्वाइट अ राइट नहीं होता, ही इज क्वाइट राइट होता है, और क्वाइट की स्पेलिंग इसमें होगी क्यू यू आई टी ई। देखिए एक ऑप्शन इसमें क्यू आई ई टी का भी दिया गया है, इसमें इसका मतलब होता है शांत, क्यू आई ई टी, क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, क्वाइट मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो ए इसमें सही आंसर होगा, क्वाइट ऑल राइट नहीं होता, ऑल राइट तो अपने आप में ही कंप्लीट एक एडवर्ब है, इसके साथ क्वाइट नहीं लगेगा। ऑल राइट का मतलब पूरी तरीके से सही, लेकिन क्वाइट का मतलब भी पूरी तरीके से होता है, तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्वाइट ऑल राइट गलत एक्सप्रेशन है, क्वाइट राइट सही है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एस बी आई पी ओ प्री के रियल क्वेश्चन हैं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आई बी पी एस पी ओ प्री में और दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसके आगे के पार्ट्स मैं अपलोड करूँगा। इसमें ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें 12 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और आगे के जो 18 क्वेश्चंस और हैं उनको मैं फोर्थ कमिंग वीडियो क्लासेस में अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।